पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कंचन गुप्ता है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हम हैं पीएसएसएम में। यहाँ पर हम हमेशा एक नए मास्टर के साथ जुड़ते हैं और उनके ध्यान के अनुभव आप सभी से साझा करते हैं। जैसे कि हम हैं पीएसएसएम में, हर ध्यानी आते हैं, अपने जीवन की जर्नी आप सबसे साझा करते हैं। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फ्लोरिना जी से। ये पेशे से एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और हाल में ही इन्हें अरबिंदो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फ्लोरिना जी से। नमस्कार मैम। धन्यवाद। तो फ्लोरिना जी, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, कैसी रही आपकी जर्नी ध्यान में आने से पहले? मैं 69 ईयर्स की हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हुआ 2015 और मैं एक एक्यूपंक्चरिस्ट एक्यूप्रेशरिस्ट 25 साल से कर रही हूँ। मैंने अपोलो हॉस्पिटल से होलिस्टिक हीलिंग किया है प्लस सुजोक ऑल लेवल्स, और 50,000 पेशेंट को के ऊपर सभी को मैं ट्रीटमेंट दिया है। नाभि सही करती हूँ और जो प्रॉब्लम्स है वो 2 मिनट में छू करती हूँ, एकदम मिराकुलस। तो ये जर्नी मुझे ओरिजिनल स्माइल्स वापस आ रहा है, तो बहुत पसंद है ये करने में और खुशी देने में। मेरे हस्बैंड मरने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इधर उधर भटकते रही और ढूंढ रही थी कि मुझे एक सच्चा गुरु मिले और उन्हीं के उन पे अर्पण कर दूँ मैं। तो मुझे पता चला कि पत्री जी मुलुंड में आ रहे हैं जनवरी में 2016 में, और मुझे अकेले जाना अभी डर लगता था, सभी चीज़ की डर लगती थी। फिर भी मैंने करेज लेके ये गुरु को मिलना है, तो मैं मुलुंड पहुँची 9:30 बजे के पहले, और सब लोग बोल रहे आ रहे सर आ रहे। मैं कौन सा सर, मैं भी सोच रही थी। तो वो स्टेज पे आ गए और सडनली वो बोलने लगे, क्या इतने लंबे कहाँ बैठे हो, नज़ीक आके बैठ जाओ, यू आर ऑल गॉड्स। ये सुन के तो मुझे अजब लगा है, ये आदमी क्या बोल रहा है गॉड्स करके, और सब एकदम नज़ीक, हमारा चेयर वेयर छोड़ के उनके नज़ीक बैठ गए हम। फिर उन्होंने 2-3 एक्सपीरियंसेस बताई कैसे उन लोग जुड़े और कैसे उनका अनुभव हुआ, और फिर बाद में हमको उनकी प्रोग्राम में शामिल करने को बोला था, नाश्ता था और लंच वगैरह। तो मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी, कैसे गुरु हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसमें पता चला कि वो मंत्र अमंत्र कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो खाली बोल रहे हैं कि अपने श्वास पे ध्यान दो, इनकमिंग और आउटगोइंग, और खाली देखना है, ऑब्जर्व करना है। बोले ये क्या मेडिटेशन है, हम भी स्माइल मेडिटेशन किया है पर ऐसे नहीं है, हम स्माइल में रहते हैं। तो मुझे बहुत अलग लगा इनकी मेडिटेशन, और बाद में अखा दिन उनके साथ रह के देख के कैसे वो लोगों से मिलते हैं, कैसे उनको बढ़ावा देते हैं और उनमें जो कमी है वो खूबसूरत लाता है उनमें, और जो करना है वो बता देते हैं ये ऐसे करो करके, और सबका ख्याल वो करते थे।
और डांसर्स का तो वो देख के तो बहुत खुश होते थे, बोले ये कैसे आदमी है जो है ना डांस तक बैठ के सब देख रहा था। किधर भी हम जाएंगे तो देखेंगे तो वो चीफ गेस्ट और गुरु थोड़े देर के बाद उन लोग निकल जाते हैं, पर ये तो शामिल थे। तो मैं बोली मैं एंड तक इनके बर्ताव देखूंगी और रह जाऊंगी। तो मैं 6:30 बजे तक थी उनके साथ। और बाद में एक गेट टुगेदर कैसे ऐसा फ़ोटो लिया है, और बाद में थोड़ा अंधेरा हो गया था, फिर मैं वहाँ से निकल गई। फिर ये सब हुआ तो मुझे थोड़ा हौसला मिला, क्या ये भी ऐसे करने से मेरा जो तकलीफ़ है, मैं क्या गुजर रही थी मैं आपको बता नहीं सकते। मैं एकदम अकेली और कुछ नहीं रहा ज़िंदगी में, कुछ मेरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और बहुत डर डर सा लगता था। दूसरे दिन उठती है तो वो सोच आती है क्या मुझे अभी क्या करना है, ये अखा दिन मैं कैसे निकालूंगी। और सोते ही रहती थी, कोई पूछने वाला नहीं है, न किसी का फोन। तो ये सब बाधा मेरे पर बहुत, मैं ऐसी लड़की नहीं थी, मैं एकदम खुशहाल और सबके साथ रहने वाली लड़की थी। मैं लार्सन एंड टुब्रो में एडमिन मैनेजर और 200 लोगों के साथ, चेयरमैन जीएम के साथ, लोगों के साथ, छोटे छोटे झाड़ू वालों के साथ रह के मैं सबका दुख ले के उनको संतुष्ट देती थी। और अचानक मैं ऐसी हो गई, ये ऐसे होने से मुझे बहुत दुख लगा, ये कैसे मैं बाहर आऊँ। ये करते करते मैं मेरी मेडिटेशन शुरुआत की और 3:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त से लेके मैं बोला मुझे अभी कुछ तो भी बनना है और करना है। तो मैं ऐसे ही बैठे रहती थी और श्वास के पर ध्यान देती थी। तो मुझे अभी आदत हो गई मेडिटेशन करने से, भले मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। सब लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन में मैं ये देखा वो देखा, इंट्यूशन आया, इमेजिनेशन, ये सब। खाली मैं संकल्प करके मैं बैठती थी। तो ये संकल्प करते करते मैं सभी PSSM का ऑनलाइन क्लास में अटेंड किया और एक 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 शब्द है जो मैं दिल में लेने लगी और वो मुझे बहुत उत्साह दिया और उसमें मुझे धीरे धीरे से बदलाव आने लगा। और वो बदलाव से मेरी अखी ज़िंदगी की थोड़ा नक्शा बदल गई और लोगों से मुझे गुस्सा आता था तो ध्यान में मुझे बहुत फ़ायदा मिला और मैं अभी संतुष्ट हूँ। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि आपके हस्बैंड के डेथ होने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तो आपके अंदर कोई ऐसा फियर भी था जो मेडिटेशन के द्वारा रिलीज़ हुआ है, तो वो हमारे दोस्तों को थोड़ा सा बताइए। मेरे हस्बैंड के डेथ होने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी और डिप्रेशन में गई थी और वो डिप्रेशन में मुझे किधर बाहर जाना तो फियर आता था, घर में अकेले हो तो डर लगता था और कोई भी साथ चाहिए ऐसे अनुभव होने लगता था। और मेरे घर में सिर्फ मेरी मदर इन लॉ जो 92 इयर्स की है और मेरी बेटी जो खाली 28 इयर्स की है, तो दोनों अलग हैं और वो वेटरनरी सर्जन है, उनके क्लिनिक में बिजी रहती थी। और मेरी मदर इन लॉ वो रेडियो सुनती थी और बुक पढ़ती थी। मैं 4 दीवारों में रह गई थी, कुछ नहीं दिखाई देता था और मैं सोचती रही कैसे मैं बाहर आऊँ। तो एक दिन मैं रागिनी मैडम से पूछी ये फियर किस वजह से होता है, कैसे बाहर निकलूँ। तो उन्होंने कहा मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा मैडम और भी। तो मैं लगातार मेडिटेशन करके
ये फियर से मैं बाहर निकल गई। और लोग जो पहले बोलते थे क्या तू हमेशा फियर फियर के बारे में बात करती है, अभी तू बात नहीं करती है, और हमेशा सुइसाइड करने की बात करती है, और मेरे जान अभी जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो अभी तो ऐसा बात नहीं करती है। तो उन्होंने बोला ये मेडिटेशन से आप बोलती नहीं है, और अभी आपका ध्यान अच्छी तरह से जुड़ गया है अच्छे कामों में, और मैं अभी फियर बिल्कुल नहीं, अभी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। बहुत अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मैं ध्यान कर रही थी फिर भी मैंने रागिनी मैम से पूछा कि ये फियर कैसे जाएगा, तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई तरीके का फियर या कुछ हमारी बॉडी से भी कुछ रिलीज़ करना है तो कितना घंटा हमें ध्यान करना चाहिए? मिनिमम एटलीस्ट 2 या 3 घंटा करना चाहिए, और लगातार कर सकते हैं या ब्रेक देके भी कर सकते हैं, पर ये अनुभव कमिटेड रहना चाहिए कि मुझे कुछ फ़ायदा होना चाहिए या मैं कर पाऊँगी ऐसे। और अच्छे अच्छे चीज़ें, वो अफर्मेशंस है ना, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस लेके दिल में बिठा के वो उनका फ़ायदा लेना चाहिए। वही मैं करते गई, दूसरे ग्रुप्स में कि जो भी अच्छा चीज़ है वो मैं पढ़ते गई और शामिल होते गई, और मैं मेरे में बहुत सी चेंजेस आने लगी। आज मुझे देखेगी तो मेरा चेहरा खिल रहा है, मेरी खुशियाँ दिल से आ रही है, और मैं जो 69 की हूँ मैं इस भी 16 लग रही है, वो इसी हिसाब के वजह से है, क्योंकि अभी मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मैं इस वक्त और इस मोमेंट के लिए ही जी रही हूँ, और जो कुछ अच्छा करना चाहती हूँ वही क्षण में मैं 100% मैं देती हूँ, और वही मेरा आज की जर्नी है। तो आप ये बताना चाहते हैं कि हर वक्त अवेयरनेस में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, जैसे कि यही पत्री सर ने हमें सिखाया है कि जब हम अवेयरनेस में रहते हैं तो हम सीधा कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। बहुत ही बढ़िया आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं मैम। अच्छा मैम, तो ये बताइए कि जब आप ध्यान में आए तो उसमें आपको कुछ स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई शिकायत थी जो ध्यान में आने के बाद वो रिलीज हुआ है? ज़रूर, मुझे पहले कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता था, मन इधर उधर भाग रहा था, क्या करना है, क्या सोचना है, किधर जाना है, क्या देखना है, कुछ नहीं समझ में आता था। सभी लोग जो मिलते थे वो फेक, मतलब उसमें विश्वास ही नहीं था, तो कैसे दृष्टि से मैं देखूँ। तो मेडिटेशन ने मुझे बताया कि थोड़ा शांत रहो, तो मैं काम हो गई, गुस्सा मेरा चला गया, और मैं फटाक से जवाब नहीं देती हूँ, सोच के वो मैं पॉजिटिविटी में बदल देती हूँ, और जो भी बोलना है 2 शब्द में प्रॉपर अफर्मेशन से मैं उनको बोलती हूँ। मुझे इनसे गुस्सा आता है पर मैं उनकी अच्छाई बोल के मैं मेरा भी गुस्सा ठंडा करती हूँ और उनको भी समझा देती हूँ। तो मैं हर एक समय को एक इवेंट बनाती हूँ, और उसमें मुझे खुशी मिलती है कि मैं भी सीख रही हूँ और दूसरे भी सीख रहे हैं। यही पत्री जी बोलते थे कि जो भी कर रहा है वो 100% 200% दे के अवेयरनेस से करोगे तो यही ध्यान है। और ये ध्यान में आने से पेस मेकर मेरे अंदर है, वो मशीन नहीं चल रही है, पर मेडिटेशन के द्वारा मुझे अभी वो मशीन की ज़रूरत ही नहीं है। और जो मुझे जो शरीर में तकलीफ होती थी, मतलब मैं पतली दिखती थी, बेकार लगती थी, चेहरा एकदम दुबा हुआ था, तो वो सब मेरे अंदर से निकल गया और बदलाव आ गया, और अभी मैं मस्त श्वास लेती हूँ और
जब भी लेती हूँ मैं स्माइल से लेती हूँ और सभी को स्माइल्स देती हूँ। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ध्यान से आपने खुद को पाया, आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने शरीर को एक्सेप्ट किया। वेरी गुड मैम, बहुत ही बढ़िया आपका अनुभव है और आगे ही ऐसी आपकी जर्नी हम सुनते रहेंगे। तो मैम हम यह जानना चाहते हैं कि ध्यान में आने के बाद जो आपके रिश्ते हैं उसमें क्या सुधार आया है और क्या बदलाव आया है? पहले मुझे ट्रस्ट ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था, ये ऐसी है वो वैसी है, और मैं अलग अलग डाउट करने लगी और सोचने लगी कि ये क्यों ऐसी बोल रही है, ये मेरी बेटी ऐसे क्यों बोल रही है, मेरे मदर इन लॉ ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं। फिर मैं ज़्यादा विचार करके, रीज़न करके समझ में आया कि क्यों बोल रहे हैं और कैसे लेना है, ये सभी प्रॉब्लम्स को कैसे समझा के हमें बदलाव करना कैसे करना है। कुछ चीज़ें होती है जो हमको खुद सिखाती है, तो वो मुझ में कुछ कमी होगा तो मैं वो पहले में ताकत बनाती है, और कुछ चीज़ें मुझे उनका सिखा देती है कि ये आदमी कैसा है, ये कैसे उनसे बर्ताव करना है, ये कैसे बदल करना है, ये कैसे अच्छे शब्दों में वो ला के उनको बताना है, वो चेंज हो या ना हो तो मैं मेरे काम में कर देती हूँ। तो ये ध्यान से ये सब मिरेकुलसली ना सब चेंजेस आते रहे, और खुद का अनुभव में अच्छी अनुभव मुझ में बढ़ते गई, और मैं सभी सिचुएशन को संभाल सकती हूँ अभी, और दूसरों को भी बदलाव लेके आ सकती है। एक बार जो शब्द बोलती हूँ मैं दिल से उनको बोलती हूँ, पर करेक्शन के लिए नहीं, उनका मन है तो सुधार होगा, उनके मन है मेरे जो बोलना है वो फिर बाद में उन लोग करते हैं, वो फिर बाद में मुझे जवाब आता है क्या इनके साथ रहना बहुत अच्छा है, इनकी कंपनी में रहना बहुत अच्छा है। और ये बदलाव से मेरे घर का सिचुएशन, मेरे ग्रुप्स का सिचुएशन, मेरी पेशेंट्स का सिचुएशन, सभी में चेंजेस आने लगा है। और ऐसे चेंजेस क्या है ना, मैं हाथ लगाती हूँ या थोड़ी दो बात शब्द बोलती हूँ प्यार से, तो सबका दिल बह जाता है। तो आप ये बोलना चाहते हो कि जब लोग आपके ऑरा में आते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। तो मैम आप ये बताइए कि ध्यान में आने से पहले आप शाकाहार थे या मांसाहार थे? मैं पहले मांसाहार थी, और वो छोड़ना बोलेगा तो इम्पॉसिबल था। मेरे घर में तो सभी वही है, नॉन वेजिटेरियन, और मैं कैसे ये सिचुएशन संभालूँ, खाना भी अलग पकाना पड़ेगा, खाने के लिए खाना होना चाहिए, मेरी किचन मेरी मदर इन लॉ जो 92 इयर्स की है वही संभालती है। मैं बाहर से पैकेट लेके आती थी और मैं खुद खाती थी, तो अभी धीरे धीरे मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया एज अ वेजिटेरियन, और मेरे लिए सेपरेट भाजी अभी आती है और रखती है, और मैं अभी वही अभी इंजॉय करती हूँ। उनके जो खाते हैं पर मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मुझे खाना चाहिए, वो सब इच्छा थी वो सब निकल गया है, और अभी मैं वेजिटेरियन में मस्त है। ये कैसे हुआ, ये पत्री जी का वीडियो था, और पत्री जी हमेशा वेरी कॉन्फिडेंटली और वेरी स्ट्रांगली बोलते थे, तो वो मेरे दिल में छा गया जो वो बोल रहे थे, और मैं समझ में आया ये जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, और उनकी सभी चीज़ें देखते हुए जो वो कर रहा था वो दिल से कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा है वो, ये देख के ना मुझे भी ऐसे मेहनत करना है, और मैं वही उनके अनुभव से मैं भी वैसे ही होने लगी। मुझे एक क्षण भी ऐसे फ्री बैठना नहीं होता है, मैं मेडिटेशन करती हूँ, नहीं तो मैं ऑनलाइन चेस खेलती हूँ,
नहीं तो मैं लोगों को जो ट्रीटमेंट करना है वीडियो ऑन करके उनको बता देती हूँ, इधर कलर लगाओ, इधर सीड लगाओ, या इधर प्रेशर पॉइंट्स दे दो, या आप ठीक हो जाएंगे, या थोड़ा मेडिटेशन करो। ये सभी से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और ये साकार होने से लोगों को मैं बोलती हूँ पर इतना मानते नहीं हैं, पर मेरे को देख के ये कैसे वेजिटेरियन हो गया, थोड़ा तो भी खाओ ना, थोड़ा एक अंडा खाओ, नहीं तो थोड़ा वो चिकन खाओ, तो चिकन फिश पोक ये सब निकल गया। तो अभी मैं मुझे इतनी इच्छा नहीं होती है और मुझे अभी अच्छा लगता है कि मैं वेजिटेरियन हो गई और दूसरों लोग भी वेजिटेरियन होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो मैम आप ये बताइए, जैसे कि हमारे पत्री सर ने कहा है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान के साथ साथ लोगों को ध्यान सिखाना भी चाहिए, कि अगर वन डे भी अगर हमने मेडिटेशन कर लिया तो हमें हम मास्टर बन गए हैं और हमें लोगों को ध्यान से जोड़ने की कार्य में हमें जुट जाना चाहिए। तो ये कैसे आप करते हो? ये कभी भी मुझे मौका मिलता है जो मैं एक ग्रुप ज्वाइन किया, जैसे बच्चे रहते हैं उनके पिकनिक्स रहते हैं या ग्रुप रहते हैं, तो उधर मैं थोड़ा थोड़ा अनुभव मेडिटेशन की देती हूँ और कैसे करना है। बहुत सिंपल है, ऑब्जर्व योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ। वो ऑब्जर्वेशन से पहले संकल्प करके बैठ जाओ तो, और स्माइल से बैठ जाओ तो लोग थोड़ा थोड़ा सुन के करते हैं, पर इतना मेंबर्स लोग नहीं हैं, पर मुझ में बदलाव देख के लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो भी चेंजेस है। तो कभी मौका मिलती हो तो मैं उनको बता देती हूँ, जस्ट 10 मिनट से शुरुआत करो, या आपकी एज के हिसाब से उतने मिनट बैठ के आप शुरुआत करो। खाली बैठ के संकल्प करके खाली ध्यान में, ध्यान बोलेगा तो श्वास में आती है और जाती है, उतना ही करना है बस। लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, पर करते हैं कि नहीं वो पता नहीं है, पर मैं मेरा काम में करती हूँ, जिधर भी मौका मिला तो मैं करती हूँ। तो मैम आप ये बताइए कि जैसे कि हमारे पत्री सर ने कहा है कि जब ध्यान जगत पिरामिड जगत, तो आपने पिरामिड को कैसे अपनाया, आपने मतलब पिरामिड के कोई अनुभव बताइए। मैं 2-3 बार मुलुन पिरामिड में जाके बैठ के थोड़ा अनुभव ले ली थी 1-2 फ्रेंड्स के साथ में, तो उसमें थोड़ा वो वाइब्रेशंस थोड़े आने लगे और थोड़ा सा चेंजेस मुझ में आने लगे कि मैं अभी थोड़ा शांत हूँ और मैं थोड़ा सोच सकती हूँ और थोड़ा दृष्टि मेरा क्लियर हो गई और जो मैं बोल रही हूँ शब्द मैं सोच समझ के बोल रही हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ वो 100% कमिटेड से करती हूँ और 2 शब्द अच्छा बोलना है वो अच्छा बोलती हूँ। तो इसमें ये बदलाव सभी को अच्छा लगता है। आप जैसे कि बड़े पिरामिड हैं, मैं करताल का महेश्वरा पिरामिड है, बेंगलोर का वैली पिरामिड है, तो कभी क्या इसमें आपने ध्यान किया है, और अगर आपने किया है तो इसके क्या अनुभव आपके रहे हैं? हाँ, मैं करताल के पिरामिड्स में भी गई थी और बेंगलोर के पिरामिड्स में भी गई थी, उनका अनुभव तो बोली मैं क्या बताऊँ कि उधर की फीलिंग्स बहुत अलग और ऐसे अनुभव लेके आई थी, क्या मुझमें सही में बहुत बदलाव आ गया है और उनके उधर की फीलिंग्स अभी तक मुझमें जागृत हैं। मैं ओडिशा भी गई थी और ऋषिकेश भी गई थी, उधर तो और भी मेरी एक्सपीरियंस और भी बहुत खूब बढ़िया हो गई और उसमें मुझे बहुत से जन मिले और उनकी चेंजेस देखने में मुझमें भी चेंजेस आ गए। यस मैम, तो आप ये बताना चाहते हैं कि अगर PSSA में शिविर होते हैं तो वो अटेंड करना चाहिए, सामूहिक ध्यान करना चाहिए। तो मैम आप ये बताइए कि जैसे कि हमारे पत्री सर म्यूज़िक के साथ भी ध्यान कराते हैं और पिरामिड को भी जोड़ा है उन्होंने, तो मैं ये जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पत्री सर से आपने क्या सीखा, आपको क्या ज्ञान मिला उनसे? पत्री जी का मैं वो मेडिटेशन म्यूज़िक जो
मूनलाइट का मेडिटेशन रहता है वो मैं अटेंड किया, उनका वो पैशन देख के म्यूज़िक का, और वो बैठा हुआ है 2-3 घंटा ऐसा ही, वो मुझे तो बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि कैसे ये बैठ सकते हैं, कैसे ये ध्यान में आ सकते हैं, जो ही इज़ द मास्टर बट ही इज़ डूइंग इट, ही इज़ सच एन, वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे लिए, और म्यूज़िक ऐसे वो इन्जॉय कर रहे हैं और ऐसे लेके आ रहा है कि हमारा रोंगटा खड़े होते हैं। तो मैं देख रही हूँ वो कोशिश कर रहा है वो फ्लूट में हमको बहुत से मैसेजेस देने के लिए, तो ये सीख, ये इनको आता है फ्लूट, व्हाई नॉट मी, तो मैं भी फ्लूट अभी एक दो है ना सॉन्ग्स में प्ले करती हूँ, गिटार भी प्ले करती हूँ और शंख भी बजाती हूँ, और गिटार जिसकी बर्थडे है उस दिन मैं सभी को उसके नंबर के हिसाब से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता के मैं बर्थडे सॉन्ग सिंग करके भेजती हूँ। मैं पत्री जी की वाइफ को भी भेजी थी और परिणीति को भी भेजी थी मैं उनके बर्थडे में। यस मैम, तो आप हमें हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ध्यान में कैसे जुड़ना चाहिए उन्हें और ध्यान से कैसे फ़ायदे होते हैं, तो आप कुछ एक्सप्लेन करें हमारे प्यारे दर्शकों को। पत्री जी ने जो ध्यान सिखाया है वो बहुत सिंपल है, किसको तो अचानक से बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, पर हमें वो फ़ायदा नहीं देखना है, हमें ध्यान करना है। तो मैं सिर्फ ध्यान करती हूँ और लोगों को बोलती हूँ आप भी ध्यान करो, पर संकल्प के साथ ध्यान करो, रिजल्ट मत देखो। तो करते करते धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, और वही चेंजेस अभी किसी को भी बोला है और मुझ में भी चेंजेस आ रही है। तो लोग ये समझना है कि थोड़े वक्त अपने आप को देना है, हमारी शरीर ऐसे कंसिडर करना है कि मर्सिडीज गाड़ी है, उसको कैसे संभालना, कैसे पेट्रोल की कमी है, स्क्रू टाइट करना है, दिमाग टाइट करना है या भरना है, या कैसे अच्छी तरह से रखना है। उसी तरह मैंने मेरे शरीर को, दो मैं 69 की हूँ, मैंने मेरे शरीर को एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से मैं तंदुरुस्त रखी हूँ, और दूसरों को भी मैं मेरे अनुभवों के बारे में बताती हूँ और क्या करना है जब सलाह भी देती हूँ। तो ये मर्सिडीज कार को सर्विस की ज़रूरत है, कभी भी हमारे शरीर डाउन होते हैं तो हमको मेडिटेशन की ज़रूरत लगती है, क्योंकि एनर्जी वही उनका ही कॉस्मिक एनर्जी हमको हमारी ज़िंदगी संपूर्ण करे। तो मैम आप हमें ये बताइए कि अरविंदो अवार्ड से जो आपको सम्मानित किया जा रहा है उसके पीछे की जर्नी पे थोड़ा सा आप निगाहें डालें और हमारे प्यारे दोस्तों को बताएं। ये अवार्ड है मुझे दे रही है इटर्नल हिंदू फाउंडेशन, मैं उनसे जुड़ी हुई थी, तो 2 घंटे मंदिर के नाम पे देना था, तो मैं 2, 4, 6 घंटे देती थी सभी मंदिरों में, इधर उधर जिसका भी रिक्वायरमेंट था मैं उधर जाती थी। और ये मंदिर में जब भी मैं गई थी तो मैं उनकी नाभि सही करती हूँ, और जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो 2 मिनट में मैं उनको आराम दिलाती थी। तो इस तरह से जिधर भी मैं जाऊँ तो उधर लोग बोलते हैं ज़रूर आना मंदिर में, मुझे आपके ट्रीटमेंट लेना है, बहुत फ़र्क आया है, और ये चेंजेस दवा में ऐसे नहीं होता है, पन आपके हाथ में जादू है। तो ये जादू मेडिटेशन से आती है, और हमारी कॉन्शियसनेस जो हम दिल से करते हैं और वही हमको बताते हैं कि कैसे इनको सही तरह से जल्दी रिलीफ देना है। तो ये देखते 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 मैं बहुत हज़ारों पेशेंट से करते गई, तो वो इटर्नल हिंदू फाउंडेशन ने देखा मेरा ये करते गए, उन्होंने भी वीडियो बनाया सब प्रेशर पॉइंट्स के, कलर्स के, कैसे कोविड में कैसे ठीक करना है, और कोविड में रेखी जो मुझे पहचान नहीं है, 6 पेशेंट मेरे अच्छा हुआ, मतलब उनका मैसेज आया
कि वो हॉस्पिटल से बाहर है, तो वैसे ये लोगों में समझ आई है कि इसमें कुछ तो भी है और सर्विस हो रही है सोसाइटी को, और ये अनुभव से मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी जर्नी बताई और हमारे प्यारे दोस्तों के साथ अपने अनुभव साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद PSSN का जो हमें इस मोड पे लेके आए। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए पिरमिड मास्टर के साथ, उनकी नए जीवन की कहानी सुनेंगे। तो आप देखते रहिए और बने रहिए, हम हैं PSSM में। धन्यवाद। हम हैं PSSM, पत्री जी के साथ।